नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। और पहली खबर जो ले आए हैं हम वो जुड़ी हुई है अक्षरा से, क्योंकि अक्षरा इन दिनों पवन के साथ फिर से काफ़ी खुश हैं, फिर से पुरानी केमिस्ट्री के साथ दर्शकों के बीच हैं और अपनी जोड़ी को लेकर वो इतनी खुश नज़र आती हैं हमेशा कि दर्शकों का हमेशा आभार व्यक्त करती हैं कि हमारे जोड़ी को इतिहास बना दिया, हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया, हमारी जोड़ी ये, हमारी जोड़ी वो, तमाम ऐसी बातें करते हुए नजर आती हैं। खैर, अक्षरा अपनी फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया के लिए बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हाल ही में वो गुजरात में माँ तुझे सलाम की शूटिंग कर रही थी सेकंड शेड्यूल की, जो कि अब खत्म होने के कगार पर है, मतलब अंतिम फेज में है, कभी भी खत्म हो सकती है। और उसके बाद अक्षरा शुरू करेंगी मैंने उनको सजन चुन लिया। इस फिल्म के मुहूर्त से ही अभी तक अक्षरा अपनी इस फिल्म के लिए काफी खुश नजर आई हैं। विदाउट मेकअप देख के लोगों को ये लगा कि इनकी तबीयत खराब है, सच में तबीयत खराब भी हुई बाद में, लेकिन अब फिर पुरानी हरियरी अक्षरा वापस लौट चुकी हैं। तो मैंने उनको सजन चुन लिया में कैसी रहेगी इनकी दमदार प्रतिक्रिया, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इनका उत्साह देख लीजिए इस फिल्म को लेकर। देखिए, भोजपुरी के सुपरहिट जोड़ी पवन अक्षरा इन दिनों गुजरात में अपनी फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग कर रही है, जो अब अंतिम फेज में है। जल्द ही शूटिंग खत्म होगी और अगली फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। दरअसल इसके बाद अक्षरा और पवन अपनी फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया शूट करना शुरू कर देंगे। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अक्षरा सिंह इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान से ही खासा खुश नजर आई थी और हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहते हुए नजर आई कि इसके बाद मैं और पवन जी बहुत जल्द मैंने उनको सजन चुन लिया शूट करते नजर आएंगे। और इस दौरान अक्षरा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखने को मिली वो ये साफ बयां कर रही थी कि अक्षरा अपनी इस फिल्म को लेकर खासा खुश हैं। अक्षरा सिर्फ अपनी फिल्म को लेकर ही नहीं, अपनी शादी के बाद पर भी बहुत खुश दिखाई दी। उनका एक इंटरव्यू अभी हाल ही में सामने आया है। वैसे तो बहुत बिजी हो चुकी हैं कि इंटरव्यू भी आजकल उनके सामने नहीं आते, स्टेज शो में भी नहीं आ रही हैं, सिर्फ फिल्म की शूटिंग की सेट से ही घर आ गई। तो अक्षरा की शादी को लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया और उस पर काफ़ी सारी खबरें भी आपने अलग अलग चैनल से सुनी होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को लेकर बातें शेयर की हैं कि उन्हें कैसे दूल्हा चाहिए, लेकिन फिलहाल अक्षरा शादी नहीं करना चाहती। और करे भी क्यों भाई, अभी इनकी उम्र ही क्या है, इनसे बड़ी बड़ी उम्र की हीरोइनें अभी तक इंडस्ट्री में अपना दबदबा जमाई हुई हैं, तो ये पीछे कैसे हट सकती हैं शादी करके। लेकिन आप अभी देखिए, जब शादी करेंगे तब तो तब की बात है, लेकिन फिलहाल अक्षरा की शादी और उनके इंटरव्यू से जुड़ी ये खबर देखिए। भोजपुरी की आइकन क्वीन अक्षरा सिंह इन दिनों अपने फिल्मी करियर को लेकर बड़ी सजग हैं, क्योंकि उनके पास इन दिनों इतनी ज्यादा व्यस्तता है कि उनका इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बड़े दिनों बाद एक इंटरव्यू दिया और बिजी रहने के कारण ही अब पवन के साथ अक्षरा स्टेज शो में भी कम पहुंच पा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने इंटरव्यू में अक्षरा शादी के बाद को लेकर खुलासा करती नजर आईं। अक्षरा ने बताया था कि उन्हें कोई ऐसा हमसफर चाहिए जो उनके फिल्मी सफर में भी उनका साथ दे, लेकिन फिलहाल अक्षरा शादी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अक्षरा ने अभी तक शादी की प्लानिंग किसी और के साथ नहीं की है। अक्षरा ने कहा कि मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोचूंगी। इंडस्ट्री के सुपरहिट हीरोइनों की शादी से जुड़े कई सवाल लोगों के जहन में उठते हैं और लोग इन हीरोइनों की शादी को लेकर कई खबरों को जानने के उत्सुक भी हमेशा से रहे हैं। पवन की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं अलग अलग जगह पर, और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पवन हनीमून पर है। अब देखिए, पवन अगर फिल्म के सेट पर होते तो फिर कहाँ से तालाब में आते, कहाँ से जंगल में आते, कहाँ से बोट पर खिलखिलाकर हंसते। मतलब अब बेशक से पवन बता ना रहे हों, अगर सेट से ये तस्वीरें जो वायरल होती तो उसमें अक्षरा सिंह भी ज़रूर होती, लेकिन पवन अकेले नज़र आ रहे हैं, यानी वो अपनी पत्नी ज्योति के साथ हैं, लेकिन ज्योति की तस्वीरें साझा नहीं की हैं पवन ने, अपनी तस्वीरें साझा की हैं, खूब घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए, भोजप्रिय राजा पवन सिंह की 6 मार्च को पवन की शादी होने के बाद आज एक बार फिर से पवन और ज्योति की खबरें चर्चा में हैं। जी हां, आज पवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह इस समय पर वो कहीं छुट्टी मना रहे हैं। जी हां, वैसे भी जब से पवन की शादी हुई है तब से पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ कहीं भी नहीं बाहर गए और ना ही अपनी पत्नी के लिए स्पेशली कोई समय निकाला हो। और इसी बीच सोशल मीडिया पर ये फोटो के शेयर होने के बाद खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह इस समय पर अपनी पत्नी को लेकर हनीमून पर जा चुके हैं। वैसे सच्चाई क्या है ये तो पवन सिंह ही बता पाएंगे। खैर, आप सभी
की जानकारी के लिए बता दें कि आज हमारे भोजपुरी राजा पवन सिंह की फिल्म वांटेड का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिस पोस्टर में पवन सिंह का सिर्फ और सिर्फ एक्शन अवतार दिखाया गया है और खबर है कि जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो शादी तो चुपके से पवन ने कर ही ली है, लेकिन अब हनीमून भी वो चुपचाप मना रहे हैं। लगता है अपनी पर्सनल लाइफ अब पवन किसी से साझा नहीं करना चाहते। खैर ये उनकी मर्जी है। हम पढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगला खबर जो प्रमोद प्रेमी से जुड़ा हुआ है। प्रमोद प्रेमी सिंगर के बाद अब एज अ डायरेक्टर और मतलब डायरेक्टर के एल्बम के डायरेक्टर रह चुके हैं और अब एक्टर भी बन रहे हैं और बन चुके हैं। हाल ही में इनकी चना जोर गरम फिल्म रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का अपार प्यार मिला और इसमें अलग ही पहचान बनाई है फिल्म के जरिए। काफ़ी सारे करेक्टर थे फिल्म में, लेकिन प्रमोद का अलग से लुक सामने आया है, जिसको देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि गायक से नायक बनने में अगला नंबर इनका भी हो सकता है, क्योंकि प्रमोद अपने गानों से बिहार के लोगों पर तहलका इतने दिनों से मचा ही रहे थे, लेकिन अब फिल्म में भी नजर आए हैं जिन्हें दर्शकों ने अपना प्यार दिया है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और कल्चर बहुत समय से चलता आ रहा है, वो कल्चर है किसी सिंगर का हीरो बनना, और इस कल्चर में एक दो नहीं बल्कि कई नाम शामिल है। और हमारे आगे सबसे पहले और बड़ा उदाहरण है मनोज तिवारी से लेकर रितेश पांडे तक का। तो वहीं आज एक और ऐसे सिंगर है जो कि पहले तो उन्होंने बतौर सिंगिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो वहीं अब वो बतौर हीरो काम करने के बाद अपनी पहली ही फिल्म में एक अलग रिकॉर्ड बना चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रमोद प्रेमी की बारे में, जिनकी हाल ही में उनकी फिल्म चना जोर गरम रिलीज हुआ है। और रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई शुरू की है, और इस फिल्म में भोजपुरी के तमाम स्टार होने के बावजूद प्रमोद प्रेमी ने अपनी रोल का एक पहचान बना चुके हैं और दर्शकों के बीच प्रमोद ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। और प्रमोद प्रेमी ने हाल ही में अपनी इस फिल्म से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर बन सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मेगा स्टार रवि किशन भोजपुरी के अलावा तमाम इंडस्ट्री से, तमाम रीजनल सिनेमा से जुड़ गए हैं। अपनी सारी कलाकारी वो हर इंडस्ट्री के लोगों को दिखा रहे हैं, हर भाषा के लोगों को दिखा रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। मतलब मेगा स्टार जो इनका नाम पड़ा था वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि इतना कम समय है उसके बावजूद सबको टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अभी रवि के आपने थाईलैंड स्टार के साथ फिल्म ज़रूर देखी होगी, लेकिन अब हाल ही में इनकी तेलुगु फिल्म रिलीज़ हुई है, जिस पर यकीन करना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि एक दिन में 12 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की है। देखिए 23 मार्च को रिलीज हुई भोजपुरी मेगा स्टार रवि किशन की तेलुगु फिल्म एमएलए को ना सिर्फ अच्छी ओपनिंग मिली है, बल्कि उनकी भूमिका की भी काफी सराहना की जा रही है। यानी कि फिलहाल रवि भले ही रील में ही सही, लेकिन वो एक एमएलए के भूमिका में काफी अच्छे बैठ गए हैं और दर्शकों को उनकी ये भूमिका काफी पसंद भी आ रही है। 3 साल पहले रेस गुरुआम के साथ तेलुगु फिल्म जगत में कदम रखने वाले रवि किशन ने अभी तक लगभग एक दर्जन दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय में नवीनता दर्शाई है। एमएलए में वो एक टाइटल लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कल्याण राम और काजल अग्रवाल के अलावा तेलुगु फिल्म जगत के कई दिग्गज इस फिल्म में हैं। ट्रेंड विशेषज्ञों के अनुसार वर्ल्ड वाइज इस फिल्म के 3 दिन का ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ बता रहा है, जो आशा के अनुरूप है। रवि किशन ने बताया है कि उनकी और कई फिल्में जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। बहरहाल रवि किशन ने एक बार फिर से तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चला दिया है। तो ये थी आज हमारे सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। चलने का समय हो चुका है, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही ताज़ा तमाम खबरों के साथ, सुपरस्टार से जुड़ी खबरों के साथ। लेकिन आप हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।